हेलो गाइस, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेमोरीज़ के कुछ टॉपिक्स हैं वो देखेंगे, और पेपर में आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सो आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, और जो भी आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट लगता है चाहे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहे आप उसको नोट कर लेना। सबसे पहले हम देखेंगे कैशे मेमोरी को। कैशे मेमोरी जो है एक बहुत ज़्यादा हाई स्पीड की सेमी कंडक्टर मेमोरी है, और ये स्पीड अप कर देती है हमारे सीपीयू को, और ये एक्ट करती है एज अ बफर, बफर की तरह एक्ट करती है, एक टेम्प्रोरी स्टोरेज की तरह काम करती है हमारे सीपीयू के बीच में और मेन मेमोरी के बीच में। और ये यूज़ की जाती है, इसका यूज़ करता है कि ये क्या करता है कि होल्ड करके रखता है बहुत सारे डेटा के, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ डेटा को होल्ड करेगा, प्रोग्राम्स को होल्ड करता है जो कि यूज़ करता है फ्रिक्वेंटली सीपीयू। सो ये जो पार्ट्स ऑफ डेटा या प्रोग्राम्स हैं इसको ट्रांसफ़र किया जाता है डिस्क से कैशे मेमोरी में, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है फ्रॉम वेयर द सीपीयू कैन एक्सेस देम, जहाँ से सीपीयू उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्टली आपको पूछा जाता है, बफर की तरह काम करता है, किस किस के बीच में बफर की तरह काम करता है, सीपीयू एंड मेन मेमोरी, और टेम्प्ररी स्टोरेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ रोम। रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं, लिख नहीं सकते। और ये जो मेमोरी है ये नॉन वोलेटाइल होता है, इसका मतलब कि पावर चले भी जाएगी तब भी डेटा हमारा हमें परमानेंटली सेव्ड मिलेगा। और रोम जो है इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है जो हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट होने में मदद करती है, जिस प्रोसेस को हम बूटस्ट्रैप भी कहते हैं। सो बूटस्ट्रैप एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होगा कि रोम जो है उन सभी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है जिससे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है। सो रोम चिप्स जो हैं वो यूज़ नहीं होती कंप्यूटर में, बट ऑल्सो यहाँ पे अदर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि वॉशिंग मशीन्स हैं या माइक्रोवेव ओवन्स हैं, वहाँ पर भी मतलब कंप्यूटर में ही सिर्फ रोम नहीं यूज़ की जाती, इसके अलावा और भी बहुत सारी जैसे मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वहाँ पे भी रोम चिप्स का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज़ एम रोम। एम रोम को कहते हैं मास्क्ड रोम। तो ये सबसे पहली जो अगर हम रोम में देखा जाए तो वो आती हैं हार्ड वायर्ड डिवाइसेस। ठीक है, जिनके अंदर क्या है, प्री प्रोग्राम्ड कुछ डेटा होता है, सेट ऑफ डेटा होता है जिसे पहले से ही प्रीली प्रोग्राम्ड किया जाता है इंस्ट्रक्शंस को, डेटा को, और इस तरह की काइंड ऑफ रोम को हम क्या कहते हैं, मास्क्ड रोम कहते हैं, जो क्या होता है एक इनएक्सपेंसिव होता है। नेक्स्ट इज़ पीरोम। पीरोम को कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब ये एक रीड ओनली मेमोरी है जिसको हम मॉडिफाई कर सकता है यूज़र एक ही बार। ठीक है, और ये यूज़र जो होता है वो ब्लैंक पीरोम खरीद कर उसमें डिज़ायर्ड कंटेंट जो है पीरोम प्रोग्राम को यूज़ करके उसमें डाल सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। और इनसाइड द पीरोम चिप्स देयर आर स्मॉल फ्यूजेस विच आर बर्नड ओपन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। इट कैन बी प्रोग्राम्ड वंस ओनली वंस एंड इट इज़ नॉट इरेजिबल। सो जो पीरोम चिप्स होती हैं इनके अंदर स्मॉल फ्यूजेस होते हैं जिसको एक ही बार आप जैसे मतलब डेटा एंटर करेंगे, ठीक है, और प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर ये सिर्फ एक ही बार होती है और इसको हम इरेज भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एपी रोम, जिसे कहते हैं इरेजिबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो ये जो एपी रोम होता है इसके अंदर हम जो कंटेंट होता है इसको इरेज कर सकते हैं, बट अल्ट्रा वायलेट लाइट को यूज़ करके, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो भी 40 मिनट्स के अराउंड होती है। ठीक है, 40 मिनट्स के अराउंड ड्यूरेशन लगती है जिसके साथ हम अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करके अपने डेटा को एक्सपोज करके उसके साथ हम इरेज कर सकते हैं। सो जो ईपी रोम इरेजर होती है इस फंक्शन को अचीव करती है ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग। एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इज ट्रैप्ड इन एन इंसुलेटेड गेट रीजन। द चार्ज इज रिटेन फॉर मोर देन 10 ईयर्स बिकॉज द चार्ज हैज़ नो लीकेज पाथ। फॉर इरेजिंग दिस चार्ज अल्ट्रा वायलेट लाइट इज पास थ्रू द क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो एंड दिस एक्सपोजर टू अल्ट्रा वायलेट लाइट dissipates the charge and during the normal use quartz lid is sealed with sticker।
अब देखिए इसमें क्या होता है कि इस प्रोग्रामिंग को करते दौरान इलेक्ट्रिकल चार्ज को ट्रैप कर लिया जाता है एक इंसुलेटेड ग्लास रीजन में, और उसके बाद उस चार्ज को उसके अंदर स्टोर करवाया जाता है लगभग 10 साल तक के लिए। और उसके बाद उस चार्ज का कोई भी बाहर से कोई लीकेज पाथ नहीं होता जहाँ से वो लीक हो सके। सो उस चार्ज को इरेज करने के लिए बाद में अल्ट्रावायलेट लाइट जो लाइट होती है उसको पास किया जाता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल विंडो के थ्रू, और ये जो एक्सपोजर होता है अल्ट्रावायलेट लाइट का, इससे जो चार्ज है वो बिल्कुल डिसिपेट हो जाएगा। और आप नॉर्मल यूज़ अगर हम देखते हैं तो क्वार्ट्ज जो लिड होती हैं वो स्टिकर्स के क्या होती है, स्टील्ड होती हैं। नेक्स्ट इज डबल ईपी रोम। डबल ईपी रोम को कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो इसके अंदर क्या है कि प्रोग्राम भी होगा, इरेज भी कर सकते हैं हम डेटा को, इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है इरेज कर सकते हैं या इसको रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं, 10,000 टाइम्स तक हम इसमें इरेज कर सकते हैं, प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या होता है, बोथ इरेजिंग एंड प्रोग्रामिंग टेक्स अबाउट 4 to 10 मिली सेकेंड्स। इसके ये प्रोसीजर करते समय 4 to 10 मिली सेकेंड्स लगेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।